आज प्रधानमंत्री ने आपको टैग किया है और कहीं ना कहीं कुंभ मेले को सीमित करने की बात करी, क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया और उन्होंने हालचाल जाने संतों के, वे अत्यंत भावुक मन के प्राणी हैं। सद्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी का अंतःकरण एक अद्भुत अंतःकरण है। न केवल वो एक शासक हैं, न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, सच तो है कि वो एक अच्छे उपासक भी हैं। उन्होंने पूछा कि संतों का कैसा स्वास्थ्य है, किस प्रकार के उनके हालचाल हैं, सभी अखाड़ों में किस तरह की दिनचर्या है। तो मैंने कहा प्रायः सभी प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ की पूजा पद्धतियाँ, पर्व परंपराएं, वहाँ के नियम, वहाँ के सब प्रकार के आध्यात्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा वो भली प्रकार चल रहे हैं, सभी प्रायः प्रसन्न हैं। और मैंने उनसे ये भी कहा कि लगभग सभी स्नान बड़े ढंग से हो चुके हैं, पर चूँकि बाहर से भारी मात्रा में लोग आए और गुजरात पे, महाराष्ट्र में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब में और बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप है। तो जिस ढंग से महाराष्ट्र में भारी प्रकोप है कोरोना का, और पंजाब में अथवा छत्तीसगढ़ में और गुजरात में भी, अन्य अन्य प्रदेशों में भी, तो वहाँ से कुछ हो सकता है, संभव है कि वहाँ से कुछ संक्रमित होकर आए हों, लेकिन हमारे यहाँ से कोरोना नहीं फैला है। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस ढंग से यहाँ आने वाले साधकों के नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास हैं, जिस तरह से वो अपने यहाँ टेस्ट करा रहे हैं, जितने टेस्ट यहाँ किए गए हैं कहीं नहीं हुए होंगे उतने, और उस तरह से उत्तराखंड में और हरिद्वार में वैसा संक्रमण नहीं है। मैं भारत की जनता से, भावुक भक्तों से अपील करना चाहता हूँ कि जो वृद्ध लोग हैं वे आने में संकोच करें, अतिवृद्ध, अशक्य, असमर्थ, अथवा जो रोगी हैं, अथवा जो छोटे बच्चे हैं, प्राय जो असम्माननीय गर्भवती स्त्रियां हैं, वे न आएँ। और अब संख्या भी बड़ी सीमित सी है, आप सब देख ही रहे हैं, आप सब जानते हैं कि बहुत कम संख्या यहाँ रह गई है, प्राय स्नान करके सब लोग चले गए। हाँ, बैरागियों के स्नान की बात है तो उनके स्नान के प्रति हम बहुत सम्मान से भरे हुए हैं, बैरागियों का स्नान होना चाहिए, लेकिन जो अन्य अखाड़े हैं प्राय वो सब प्रतीकात्मक ही स्नान करते हैं। ये जो स्नान है वो प्रतीकात्मक ही होता है, पर इस स्नान की भी कोई समाप्ति की घोषणा नहीं की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कुंभ समाप्त हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि कोई अब स्नान होगा ही नहीं। हाँ, हम आह्वान करते हैं, हम हृदय से और विनयपूर्वक ये आह्वान करते हैं जनता से कि वो सीमित संख्या में आए और कोविड नियमों का अनुसरण करें, उनका अनुपालन करें। रही बात आदरणीय बैरागियों के, वैष्णवों के स्नान की, तो वे स्नान करें और प्रशासन शासन उसके लिए प्रतिबद्ध है उनके स्नान के लिए, पर प्राय अन्य सभी अखाड़े सीमित सी संख्या में प्रतीकात्मक जाते हैं और उसका सम्मान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। पर मैं फिर से कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृहमंत्री से ही मेरी बातचीत हुई, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी से मेरी दो बार बातचीत हुई है, आज माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो, और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि धर्म बड़ी चीज़ है पर उससे बड़े प्राण है। मैं कहना चाहूँगा आस्था बहुत बड़ी चीज़ है पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है, लोगों के प्राणों की रक्षा है। तो हमें दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, और उस तरह से अब धीरे धीरे करके हम चीज़ें प्रतीकात्मक करें। मैं इस प्रकार से पूरी जनता का आह्वान करना चाहूँगा।